खुश थी कि चलो ठीक है, पैशन है, कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो रहा था एंड तो ये सही बात है। तो कभी भी 10 मिनट का एंड रिजल्ट मेरा भी कोच बताया है कि मुझे हम लोग वो मेरा प्रेम, हम लोग भी कोई अपना स्टूडेंट को अगर ट्रेन करते हैं तो हम लोग भी दूसरा लोग को यही बोलते हैं कि हम एंड हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। वापस से हमारे एपिसोड 2 में आम आदमी बना डेलवेल खिलाड़ी मोहम्मद सैफुज़्ज़मान के डेलवेल वुल्फ के साथ तो अपना एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। और एपिसोड 2 हम शॉर्ट रखेंगे और इसका पहला जो सवाल है आपसे कि आप हम एपिसोड 1 को कंटिन्यू करते हुए कि आपके जर्नी में जब से स्पोर्ट स्टार्ट किया तुम, तो जब स्पोर्ट बिगिनिंग स्टेज में था, मतलब समझ लो 2 साल पहले जब स्टार्ट किए थे केटलबेल स्पोर्ट, उस टाइम घर से कितना सपोर्ट था, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। थैंक यू दानिश भाई फिर से बुलाने के लिए। एंड ये बात जो आप बोले हैं कि फैमिली सपोर्ट से रिलेटेड, तो मेरे घर से मम्मी हमको बहुत सपोर्ट की, अभी भी करती हैं, फाइनेंशियली बोलिए या मेंटली बोलिए, एवरीथिंग, खाने पीने जो डाइट वाइट रहता है सब कुछ से मम्मी बहुत हमको सपोर्ट की, पापा भी करते हैं। बट जैसे कि रहा सवाल बाकी रिलेटिव्स का, तो क्या बोले, उन लोग के बारे में हमेशा नेगेटिव्स ही मिला है। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे तो बहुत कोई बोला कि लाइक क्यों कर रहे हो, कुछ नहीं है इसमें रखा, अपना काम में फोकस करो, अपना बॉडी मेंटेन करो, बस छोड़ दो, ये सब करके कोई फ़ायदा है नहीं। तो बहुत सारा वो लोग बात बोले, बट मेरी मम्मी थी जो हमेशा मेरे आगे खड़ी हुई और बोलती हुई आई सबको कि जो भी कर रहा है वो अपना शौक से कर रहा है, उसका पैशन है। एंड अम्मी अभी भी हमको सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है और हम कर भी रहे हैं। सो बस तो हाँ, सही बात है, मम्मी लोग सपोर्ट काफ़ी करती है और के अच्छा है तुम कंटिन्यू किए। बाकी रिलेटिव तो किसी का भी कोई अच्छा नहीं बोलता, जब आदमी सक्सेस हासिल कर ले तो ही ऑन रिकॉर्ड ये सब बोल रहे हैं हम लोग ऑब्वियसली। जब कोई अच्छा करते हैं तब भी बहुत कम रिलेटिव ऐसा होता है जो बोलता है कि हाँ चलो, एक्स नंबर का जो आदमी था वो अच्छा काम किया। बट हम लोग को किसी से लेना देना है नहीं, अपना घर वाला खुश है, हम लोग खुश है, कोच खुश है, दोस्त लोग खुश है, बस उसमें और कुछ नहीं चाहिए। तो जो हमारा आज का दूसरा सवाल है वो है कि क्या कभी ऐसा लगा था कि कोई एक ऐसा मोमेंट कि बस अब और नहीं होगा, और हमसे नहीं हो रहा भाई, जितना हुआ अच्छा है, कल से कोच को टेक्स्ट करेंगे कि अब नॉर्मल होने वाला है, ऐसा कुछ होगा नहीं, इस पे कुछ ये मेरा एक दो बार हुआ है ऐसा। ये इस रीज़न से हुआ है कि हम जैसे कि आप लोग को बताया पहले कि एंजाइटी लेवल मेरा बढ़ जाता है, तो उसके वजह से एक बार का सेट था मेरा जब हम कर रहे थे, बहुत पहले का बात है, अराउंड शायद 16 kg से ही हम कर रहे थे, तो लिफ्ट करने के टाइम में एंड मेरे से वो रेप्स लगा नहीं, ठीक है। तो हम वही एनजाइटी प्रॉब्लम हो रहा था, तो लिफ्ट हम कर नहीं पाए, रेप्स लगा नहीं मेरा, बहुत डिसहार्टेंड हो गए थे, बहुत ज़्यादा हम डिप्रेस्ड हो गए थे। एंड फिर दानिश भाई बोले, मेरे कोच बोले कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया है, तो हम खुद में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे, डिप्रेस हो गए थे, चेंजिंग रूम में जाके रोने लग गए और हम वहीं पे फ्लोर पे बोल करके लाइक हम नहीं करेंगे, हम और नहीं कर बिल कंटिन्यू करेंगे बोल करके हम निकल गए। तो आप घर आकर, ये अराउंड जब 16 kg जस्ट स्टार्ट किए थे हम लिफ्ट करना तब का,
उस टाइम में फिर दानिश भाई हमको टेक्स्ट किया रात में व्हाट्सएप में, क्या प्रॉब्लम है बताओ, जब तक शेयर नहीं करोगे क्या होगा। फिर उनको बताया ये बीच में थोड़ा बहुत लंबा, मतलब थोड़ा क्या, 1 महीने का अराउंड ब्रेक लग गया था केटलबेल से रिलेटेड। फिर वापस आए, ज्वाइन किए, फिर स्क्रैच से स्टार्ट हुआ, 12 kg लिफ्ट करना स्टार्ट किए, फिर 16 kg से वापस फिर से उसको पॉलिश किया अपने आप को, एंड हुआ वो चीज़। बट हाँ, ये एक दो बार हुआ, और इन बिटवीन द सेट बहुत सारा माइंड में आता है कि यार हो गया, छोड़ देते हैं, क्या क्या ही होगा, सेट नहीं होगा कंप्लीट, रेप्स नहीं लगेगा, हो ही नहीं रहा है मेरे से, क्या करें। मतलब जितना दुनिया का जितना क्या बोलते हैं नेगेटिविटी आता है, वो पूरा माइंड में उस टाइम आता है मेरा, रेप्स के टाइम में कंटिन्यू जब करते हैं वर्कआउट, तो उस टाइम में आता है कि छोड़ दो, नहीं होगा, रख दे, से हो गया ख़त्म और नहीं होगा, और सांस फूलने लगता है। तो ये चीज़ प्रोसेस पे बिलीव करना पड़ेगा। जैसे दानिश भाई बोलते हुए आए हैं कि 10 मिनट के बारे में मत सोचो, हर 30 सेकंड के बारे में सोचो जो ब्रेक कर करके होता है। तो जब से अभी अभी वो चीज़ हम स्टार्ट किए हैं विद 24 kg से, तो हो रहा है प्रॉब्लम, हो रहा है, बट उसको अपना माइंड में सेट कर रहे हैं अभी भी। तो ये चीज़ मेरे को फैक्टर चेंजेस आ रहा है थोड़ा बहुत कि हाँ हो जाएगा। वैसे कर करके 16 kg अचीव किया, 20 kg अचीव किया, 24 भी हो ही जाएगा। तो ये सब चीज़ आ ही आता ही जाता रहता है, ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है मेरा, बट वो चीज़ हो जाएगा, ओवरकम हो जाएंगे इससे भी हम, होपफुली। तो ये सही बात है। तो कभी भी 10 मिनट का एंड रिजल्ट, मेरा भी कोच बताए हैं कि हम वो ताऊ हो नीरा प्रेम, हम लोग भी कोई अपना स्टूडेंट को अगर ट्रेन करते हैं तो हम लोग भी दूसरा लोग को यही बोलते हैं कि हम एंड रिजल्ट का मत सोचो, हमेशा हम लोग को छोटा छोटा टारगेट लेना चाहिए। जैसे 30 सेकंड में हमको 5 रेप मारना है, तो 1 30 सेकंड पाँच 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 करते करते जब 9वां मिनट आएगा, 9th मिनट में हम लोग देखेंगे कि बस इतना तो हो गया, बस 1 मिनट बाकी है। फिर 30 सेकंड करते करते 10 मिनट खत्म। तो छोटा छोटा जितना बना के चलेंगे हम लोग, उतना ही बॉडी के ऊपर और मेंटली उतना बेटर होता है। वरना अगर स्टार्टिंग में ही अगर 10 मारना है, हम लोग 12 15 मार दिया कि नहीं तगड़ा फील हो रहा है, बट फिर वो आदमी 10 मिनट टिक नहीं पाता है। विद द क्वालिटी जो हम लोग का ग्रुप हम लोग करते हैं, जो करना चाहिए काफ़ी सारे एथलीट्स लोगों को इंडिया में विद प्रॉपर फिक्सेशन, क्योंकि कोई भी फेडरेशन खेल सकते हैं, फेडरेशन का रूल अलग है, बट हम लोगों को अपना क्वालिटी देना है विद क्वांटिटी, ना कि सिर्फ क्वांटिटी देना है। तो वह अच्छा बात था। और इसके बाद जो अगला है सैफ के लिए, वो है कि अपने कुछ आइडल्स के नाम बताओ स्पोर्ट में। कौन तुम्हारा आइडल है, किसको देख के अच्छा लगता है, किसको देख के और करने का मन करता है, क्या करता है? बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो मतलब लेजेंड्स का नाम लेते हैं एंड उनको फॉलो करते हैं थ्रू यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। तो हम जिस आइडल का नाम ले रहे हैं वो तो मेरे लाइव हैं, हम ऑन प्लेटफॉर्म उनको देखते हुए आ रहे, करते हुए मतलब देखते हुए सीख रहे हैं। और केटलबेल भी मेरा स्टार्टिंग हुआ है दानिश भाई, जो फैक्ट है मेरा, इसलिए क्योंकि इससे पहले जैसे आप लोगों को बताया थे केटलबेल को हम जानते भी नहीं थे क्या होता है, और ये चीज़ हमको दानिश भाई इंट्रोड्यूस करा है, वो हमको समझाएं बताएं, एंड वो मेरे को वो चीज़ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो हम आज भी ये बात हम कभी बोले नहीं, बट ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं कि आज भी बहुत सारा ऐसा मेरे पास रिकॉर्ड्स है दानिश भाई का सेट से रिलेटेड जो हम देखते हैं अपना हर एक इवेंट से पहले, या प्रैक्टिस, इनफैक्ट प्रैक्टिस के टाइम भी पहले हम देखते हैं उनका मूव्स, उनका प्रैक्टिस, उनका डेडिकेशन, वो पूरा फेस से समझ में आता है, एंड फिक्सेशन, एवरीथिंग। भले वीडियो से आप उतना नहीं समझ पाओगे, बट वो वही इंसान फील कर पाएगा जो इंसान उस चीज़ को फॉलो करता है, जो पर्सन को फॉलो करता है। तो हम वो चीज़ को देखते हैं, समझते हैं एंड फील करते हैं कि ये बंदा जब कर सकता है तो हम क्यों नहीं, इनफैक्ट हम उनका स्टूडेंट है। तो वो अपना प्रोसेस हमको अब मेरे ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ होगा, मेरे से क्यों नहीं होगा। तो बहुत सा हद तक एक मोटिवेशन फील आता है मेरे अंदर, और ये चीज़ हम दानिश भाई को शुरू से लेके अभी तक और होपफुली इन फ्यूचर तक उनको देखते हुए आएंगे और सीखते हुए आएंगे। बहुत सारा चीज़ हमको सीखना है, नॉट इवन सिर्फ केटलबेल, बट अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज़, डिसिप्लिन एंड उनका डेडिकेशन, फोकस, एवरीथिंग जो उनमें हमको दिखा, वो मेरे को अभी तक लिटरली मेरे को किसी में नहीं दिखा है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरा वो
वे ऑफ पर्सपेक्टिव है देखने का उनको, और वो मेरे आइडल हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो डेफिनेटली ये बढ़ा चढ़ा के नहीं बोले, बट ये फैक्ट है, क्योंकि हम शुरू से ही देख रहे हैं ना उनको, वो केटलबेल वर्ल्ड में वो हमको लाए हैं, तो डेफिनेटली हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। तो बस यही है। थैंक यू ये सब इतना बड़ा बड़ा बात बोलने के लिए। तो आखिरी सवाल हमारा इस पॉडकास्ट आम आदमी बना केटलबेल खिलाड़ी का एपिसोड 2 का आखिरी सवाल, कि अब इतना महीना साल गुजर जाने के बाद अब घर वाला लोग क्या बोलता है, अब उन लोगों का रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन बदला कुछ कुछ लोगों का कि कितना बढ़ावा अब मिलता है, और आईयू के वर्ल्ड्स खेलने के बाद उसके बाद क्या रिएक्शन था, इस पे बताओ। तो सपोर्ट से रिलेटेड देखा जाए तो मम्मी का ही ये बात सही है। अम्मी हमको सपोर्ट करते हुए आई हैं शुरू से लेकर अब तक। एंड स्टार्टिंग में जब हम अपना पैशन के बारे में मम्मी से शेयर किए थे कि ऐसा ऐसा है, एंड दानिश भाई इससे रिलेटेड मेरे को बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत गाइड कर रहे हैं, तो मम्मी खुश थी कि चलो ठीक है, पैशन है, कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हो रहा था, एंड इसका दुख भी मम्मी को था, इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम केटलबेल सीखते थे तो जो हाथ के जो पाम्स होते हैं ना, ये सब चीज़ ना टेक्निक प्रॉब्लम के वजह से फट जाते थे पूरे, मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट, पूरा चमड़ा उखड़ गया, सब कुछ हो जाता था। तो ये चीज़ मम्मी को हर्ट होता था, एंड वो बहुत बोलती भी थी, थोड़ा बहुत तो बोलेंगी कि क्यों कर रहे हो, इतना पैसा दे रहे हैं और तुम्हारा हाथ फड़वाने के लिए क्यों ऐसा कर रहे हो, बॉडी पेन हो रहा है, डाइट कर रहे थे तो मतलब ना के बराबर खा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सब का लेकर के मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी रहती थी कि हम पैसा दे रहे हैं, उनको मन में शक होता था कि हम जो करवा रहे हैं अपना बेटा से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये चीज़ मेरे रिलेटिव्स को थोड़ा बढ़ावा मिल चुका था कि बोले कि देखो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, काम में फोकस नहीं कर। रहा सवाल रिलेटिव्स का, तो रिलेटिव्स लोग को बढ़ावा मिल गया था, वो लोग बोल रहे थे कि देख लो कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, इसमें पैसा नहीं है, बेकार में कर रहा है, हाथ फट जा रहा है, काम में उसको बोलो फोकस करने के लिए, कब करेगा, उम्र निकला जा रहा, बहुत सारे बात बोले जा रहे थे। बट जब हम IUKL वर्ल्ड गेम्स वर्ल्ड चैम्पियन जब हिट किए खेला, एंड हम मम्मी को जब पता चला कि हम इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ मम्मी को बहुत प्राउड फील हुआ, एंड पापा भी हमको पुश किए और हम वहाँ पे गए, प्ले किए, खेले। एंड ये मेरे मम्मी पापा का बहुत मन था कि वो लोग मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आए, एंड विट सेलिब्रेशन टाइप्स। तो मम्मी का तबीयत उस टाइम ठीक नहीं होने की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाया, चलो कोई नहीं। बट वो चीज़ के बाद बहुत सारे चेंजेस आया, जो नॉट 100% बोलेंगे, बट एटलीस्ट 70% ऑफ द रिलेटिव्स बहुत अप्रिशिएट हुए, एंड वो लोग को बहुत खुशी हुआ कि लाइक हाँ, बंदा जो कर रहा है ठीक कर रहा है। अब जा करके वो लोग अब उतना नेगेटिव नहीं बोलते हैं, ठीक है जो कर रहा है, उल्टा इनफैक्ट पूछते हैं कैसा चल रहा है प्रैक्टिस, कैसा चल रहा है प्रेप, अब सब चीज सही हो रहा है ना, अब तो हार्ट नहीं फट रहा है ना, इनफैक्ट वो लोग कंसर्न दिखाते हैं। तो ये चेंजेस हुआ है, और ये सब चीज़ लेकर के मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है, पापा भी प्राउड फील करते हैं, उनके भी ऑफिस के जितने भी कलीग्स हैं वो लोग भी मतलब अब बोलते हैं कि कैसा कर रहा है बेटा आपका, सही जा रहा है एंड ऑल, मतलब वो चीज़ थोड़ा पॉपुलैरिटी टाइप्स वो चीज़ हुआ है। तो ये सब का लेकर के अम्मी को अब जा करके फील होता है, क्योंकि अब मेरा हाथ वाथ भी नहीं फटता है। एंड थैंक यू बहुत बड़ा, दानिश भाई को भी, ऊपर वाला को भी, टेक्निक मेरा बहुत सुधरा है, तो अब मेरा हाथ पाथ फटता नहीं है, तो जिसके वजह से अब मम्मी कंसर्न नहीं होती है, बस इतना पूछती हैं आज कितना वेट उठा है। तो हम जब उनको बोलते हैं ऐसा ऐसा उठा है, तो मम्मी बोली बाप रे कैसे, बदन में हाथ में दर्द है, दबा दे, तेल लगा, बोले ऐसा कुछ नहीं, वो जब तक केटलबेल करेंगे वो तब तक कंटिन्यू ही रहेगा, दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक्चुअली ये फैक्ट है, वो दर्द में ही हम लोग को बेयर करना पड़ता है सब कुछ, तो बॉडी कंडीशनिंग की वजह से। तो मम्मी अब ऐसा कुछ नहीं बोलती है, और रिलेटिव्स भी अब ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, इनफैक्ट वो लोग भी अब थोड़ा बहुत सपोर्ट करने लगे हैं, एंड वो थैंक यू मम्मी कि मतलब आप हर एक जगह पे खड़ी हुई, हमको पुश की, जहाँ पे हमको भी ऐसा फील हुआ कि हम
शायद गलत कर रहे, नहीं करना चाहिए, मम्मी को हम टेंशन दे दे रहे, प्रेशर दे दे रहे, एंड कहीं ना कहीं दानिश भाई को भी हम थोड़ा लो फील करवा दिए थे, मेरा वो वर्कआउट सही नहीं होने की वजह से, प्रेप सही नहीं होने की वजह से। बट आप लोग दोनों, थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू मम्मी, आप लोग सब पुश किए हमको, जिसके वजह से आज हम ये स्टेज पे हैं और हम फोकस कर रहे हैं कि हम और आगे जाएं और अच्छा करें, आप और बेटर करें अपना। तो अच्छा लगा सुन के, और काफ़ी छोटा रख के एपिसोड 2 को और इस पॉडकास्ट को विद केटरबेल वुल्फ यहाँ पे हम लोग ख़त्म करते हैं। तो लास्ट में कुछ लाइन है, याद नहीं रहता है हमको, तो हम लिख के रखा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि एक बार कंपीट करना छोड़ देंगे तो फिर दोबारा और स्पोर्ट नहीं करेंगे। नॉर्मल मेंटेलिटी, या फिर थोड़ा कुछ लाइफ में ऊपर नीचे हो जाए तो लोग स्पोर्ट को भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, और दैट इज काइंड ऑफ सैडनिंग। बहुत, मतलब क्या बोलते हैं उसको, निराशाजनक है। कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 45 मिनट्स। और जैसे हम लोग का प्रेप कंपटीशन का बस पास होता है जब हम लोग का ट्रेनिंग वीक्स, तो हार्डली आधा घंटा लगता है हम लोग को और ख़त्म हो जाता है अपना दिन का वर्कआउट। तो आप जितना करोगे एक स्पोर्ट को प्रैक्टिस, उतना स्पोर्ट आपको रिटर्न में देगा, और वो इन रिटर्न फेम हो सकता है, पैसा हो सकता है, इज्जत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मे बी हम सब पर डिसीजन से अग्री नहीं करते हैं, बट अभी मैं जहाँ हूँ एज अ पर्सन, वहाँ नहीं होता अगर केटलबेल स्पोर्ट नहीं होता। और काफ़ी ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में, वो वहाँ नहीं होते अगर आज केटलबेल स्पोर्ट उनके लाइफ में नहीं होता। तो हम लोग एज अ पर्सन काफ़ी कुछ ओ करते हैं स्पोर्ट को। और अगले काफ़ी सारे पॉडकास्ट में मैं ऐसे ही लोगों को आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो अपना प्यार, दुआ और आशीर्वाद बनाए रखें। लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और दुआ में याद रखना।